हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है गेम्स के साथ। तो आज सुबह सुबह से ही निवी को गेम खेलना था, तो हम सब लोग भी साथ में बैठ गए। ऐसा टाइम बहुत कम मिलता है जब तीनों लोग साथ में बैठे। वैसे तो सब अपने मोबाइल में, टीवी में, अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, ऐसा टाइम मिलता नहीं है। तो आज सारा काम छोड़ के पहले मैं इन लोगों के साथ बैठ गई। अभी नाश्ता भी नहीं बना, खाना भी कुछ भी नहीं हुआ है सुबह से। बस मैं नहाने जा रही थी और ये लोग उठे और ये लोग बोले कि नहीं अभी गेम खेलना है, गेम खेलना है। तो मैंने भी सोचा कि नहीं चलो पहले बैठते हैं, उसके बाद काम करेंगे। काम तो रोज़ के ही होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस पहले मैं आ गई, निवी बोली कि मम्मा आप मेरे साथ खेलोगी। तो अभी हम लोग लूडो खेल रहे हैं और ब्रेकफास्ट के लिए मैं चने बॉयल करने के लिए रखाई थी। आज पूरे दिन गेम ही चलेंगे क्या? टुडेज अ गेम डे। यस, टुडेज अ गेम डे। पापा भैया दोनों मस्त प्ले करेंगे आज, फुल डे, फुल मस्त मस्त। ना स्टडी और ना ही मोबाइल और ना ही टीवी। नो स्टडी, नो मोबाइल एंड नो टीवी। यस, ओके। क्रिसमस है ना, तो क्रिसमस में गेम करते हैं, गेम करते हैं। ओके। नहीं खाना खाते। खाना नहीं खाएंगे आज? नहीं। खाना खाएंगे आज? खाना तो खाना पड़ेगा, अब तो एनर्जी आएगी, पूरे दिन खेलोगे। कौन विन हो रहा है? पापा हम। नहीं भी आपको ही विन होना है। ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? अरे मैं जीत नहीं पाऊंगी ना, इसलिए मुझे वहां रखना है, तो मैं जीतूंगी। अच्छा, यहाँ रखोगी तब जीतोगी। ओह ओह, ट्राई अगेन। ओ ऐसे जीत पाते हैं? हाँ ऐसे जीतते हैं। अगर कोई यहाँ पर देखता है फोन तो वो दूसरे को समझता है, तो वो ऐसे कवर के नीचे ऐसे चल जाता है, तो वो ऐसे कोई विन होता है ना, तो उसको सारे कॉइंस मिल जाते हैं, तो वो जीत जाता है, कोई बच्चा एक हार जाता है। ये होता है एक स्पेशल गेम। स्पेशल गेम, ओके। और पूरे दिन ही गेम होगा। ओके। नहीं मोबाइल, नहीं टीवी, नहीं नहीं स्टडी और नहीं टीवी, कुछ भी नहीं होगा आज। आज तो मस्त हो गया, आज तो गेम डे। हो गया गेम, कौन विन हो गया? जब तक ये लोग खेल रहे थे मैं नहा के भी आ गई थी और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो रहा है और हस्बैंड की चाय भी मैंने चढ़ा दी है और साथ साथ मैं लंच की भी तैयारी करती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैंने सोचा जब तक ब्रेकफास्ट बनेगा साथ साथ ही मैं लंच बनाती जाऊँगी। और ये मेरे चने भी रेडी हो गए थे और लंच के लिए आज मैं बना रही थी मठा के आलू, और कुछ लोग इसे दही के आलू भी कहते हैं। हमारे यूपी में बहुत फेमस है ये और हम तीनों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हर कोई इसको अलग अलग तरीके से बनाता है, मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ, यहाँ हम लोग का ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म कर लेना है और मैं हमेशा सब्ज़ियाँ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, और अब इसमें मैं डालूंगी उबले हुए आलू, और आलूओं को थोड़ा सा हल्का सा मैश करके डालूंगी। और आप लोग चाहें तो आलू को कट करके भी डाल सकते हैं, पर मैश करके जब थोड़ा सा हल्का सा मैश करके डालते हैं ना, तो हल्के हल्के से टुकड़े से, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कटे हुए आलू मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। जब मैश करके आलू डालते हैं ना, तो उनका सब्ज़ी में टेस्ट और अच्छा आता है। और इसके बाद हमने इसमें डाला है हल्दी और लाल मिर्च। लाल मिर्च अभी मैंने नहीं डाली है, क्योंकि मैं बेटी के लिए पहले निकालूंगी निवी के लिए, फिर मैं लाल मिर्च डालूंगी बाद में। और इसमें नमक अभी नहीं डालते हैं, जब सब्जी खोलने लगती है उसके बाद हम इसमें नमक डालते हैं, वरना अगर हम पहले से नमक डाल देंगे तो हमारी सब्जी फट जाएगी, इसलिए नमक इसमें हम बाद में ही डालते हैं। ये मैंने मठा लिया है
ये मैंने अमूल का पैकेट वाला लिया है, कुछ लोग इसे छाछ कहते हैं। आप दही भी ले सकते हैं, खट्टा वाला दही आप उसको फेंट के भी बना सकते हैं। तो मैंने ये छाछ लिया है और अब इसको डाल देंगे सब्जी में। और इसको जब हम कढ़ाई में डालेंगे तो हमारी गैस जो है वो मीडियम या फिर स्लो फ्लेम पर होनी चाहिए। और बस इसको डालने के बाद इसको हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें खोल ना आ जाए, सब्जी खोलने ना लगे। देखिए सब्जी में उबाल आने लगा है, तो अब इसमें हम डालेंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और नमक डालने के बाद गैस को स्लो फ्लेम पर कर देंगे और बस फिर इसको पकने देंगे। तब तक मैं आटा लगा लूँ। आज इन लोगों को रोटी नहीं खानी, आज ये लोग बोल रहे हैं पराठे खाएंगे, तो बस मठे के आलू के साथ बनाऊँगी मैं गर्मा गर्म पराठे। मेरे हस्बैंड को मठे के आलू के साथ ये ऐसे मिर्ची फ्राई करके खाना बहुत पसंद है। वैसे तो कभी मिर्ची का, हरी मिर्ची का अचार डाला होता है वो भी खा लेते हैं, पर अचार ख़त्म हो गया था तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगा। तो बस ऐसे ही हल्के से तेल में मिर्ची डाल के उसमें बस अजवाइन, नमक और नींबू डाल लेते हैं, तो उससे बहुत ही टेस्टी मिर्ची लगती है। इनको मतलब तुरंत बना के आप तुरंत खा सकते हैं। और ये मिर्ची इतनी तेज़ थी ना कि जब इन्होंने ये मिर्ची फ्राई की ना, तो उसके बाद जो इसकी भस लगती है ना वो पूरे घर में ऐसी फैली कि हम लोग आधे घंटे तक तो सारे के सारे लोग खांसते ही रहे। जो मिर्ची इन्होंने बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और पूरी हम लोगों ने खा ली थी, सारी ख़त्म हो गई थी। और ये तो खाना खा भी चुके थे और निवी तब तक खाती रही जब तक मैं नहीं आ गई। वो बहुत धीरे धीरे खेलते खेलते खाती है। तो बस यहाँ मैं भी अपना खाना ख़त्म करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। निवी अपने पापा के साथ गई है मार्केट। ठंड ज़्यादा होने लगी है इसलिए वूलन बेडशीट निकाली थी, सोचा ये आज बिछा दूँ। रोज नाइट में जब लेट जाते थे ना तब याद आता था। मुझे बेडशीट बिछाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, जब तक एकदम परफेक्ट ना बिछे तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। मेरे घर के सभी लोग मेरी ये हैबिट बहुत अच्छे से जानते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है ना, मेरे और मेरे हस्बैंड की इस बात पर लड़ाई भी हो जाती है। मुझे ना कुछ चीज़ें हैं जो मतलब बहुत परफेक्शन के साथ चाहिए होती हैं। मतलब मेरा है कि मुझे ना हर काम थोड़े परफेक्शन के साथ करने की हैबिट है। मतलब कोई भी काम हो, जो भी मैं करती हूँ उसको परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और फिर वो कैसा भी काम हो, घर का हो या बाहर का काम हो, मुझे बिखरी हुई चीज़ें पसंद नहीं है। फिर चाहे वो बिखरा हुआ घर हो या लोगों के बिखरे हुए विचार। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मार्केट से आते ही निवी ने खेलना फिर से शुरू कर दिया। ये लड़की आज सुबह से बस खेल ही रही है, ना आज इसने नहाया है और ना ही पढ़ाई की है। चलिए इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और नई बातों के साथ। और मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।